बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो यमुनानगर से ही है। यमुनानगर के गांव कैल में देर रात पुलिस और गौ रक्षकों ने दो गायों को तस्करों के हाथों से छुड़वाने में कामयाब हुए हैं। ये गौ तस्कर गाय को चोरी कर उन्हें कार में डालकर उत्तर प्रदेश लेकर जा रहे थे, लेकिन इस बात की भनक गौ रक्षकों को लग गई और उन्होंने तुरंत इस मामले की जानकारी काउ स्टाफ पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने नाकाबंदी कर तीन तस्करों को धर दबोचा, लेकिन पुलिस के चंगुल से दो तस्कर फरार हो गए, जिसे अब पुलिस तलाश करने में जुटी हुई है। जी गौ रक्षक है जो हमारे प्राइवेट है, इन्होंने शाम को हमारे पर मुखबरी दी, हमारे को मुखबरी दी भाई पीछे से एक मारुति कार में दो तीन गायें लोड करके लेकर आ रहे हैं, आप आगे जगाधरी बस अड्डे पर नाका लगाएं, हम पीछे इनका पीछा कर रहे हैं। तो हमने जगाधरी बस अड्डे पर नाका लगा लिया, तो रास्ते में आते हुए कैल गांव के पास या मारुति कार मतलब एक पेड़ में भिड़ गई और पीछे ये गौ रक्षक थे, इन्होंने उनको पकड़ लिया। कितने लोग थे टोटल इसमें, कितने कार में? कार में तीन तीन बता रहे हैं अभी, हम तो मतलब बाद में आए हैं, तुम्हारे फिर टेलीफोन करे हम आगे, इन्हें एक पकड़ लिया दो। कार में दो एक गाय है नी, एक गाय और एक बछड़ा। कुछ कारतूस भी मिलेगा? दो खाली कारतूस मिले। आज भी ऐसे ही ये गाय लेने गया तो हमें इसकी इन्फॉर्मेशन मिल गई कि ये ऐसे ऐसे करके बंदा गाड़ी लोड करने जा रहा है, तो हमने अपना अपनी टीम को सूचना दी, सभी को अपना जहाँ जहाँ स्थान पर खड़ा करना था खड़ा कर दिया और दो लड़के इसके पीछे भी भेज दिया हमने। तो ये गाड़ी लोड हुई थी दो सड़के के पास से, एक गाँव पड़ता है वहाँ से इसने इन दो गायों को चोरी किया, हमारी गाड़ी वहाँ से फिर पीछे लग ली इसकी, और हम लोग अपना कुछ टीम हमारी कैल गाँव के पास मौजूद थी, तो जैसे इसने आगे हमारी गाड़ी देखी कि आ गई, तो ये लिंक रोड पे घुसने लगा जी, तो ये लिंक रोड पे घुसने के बजाय वहाँ पे था पेड़, उसमें पेड़ में टकरा गई गाड़ी, तो उसमें दो बंदे तो कूद के भाग गए, लेकिन एक बंदा अपने मौके पे पकड़ लिया। तो कैसे इसमें गाय जो लोड की हुई थी काफी मुश्किल थी, कैसे इसने अंदर लोड किया था, कितनी गाय थी इसमें? दो गाय थी, मुंह पैर जुड़ के बड़ी बेरहमी से लोड किया हुआ था।